ग्रीष्म ऋतुरे लोकमाने निज स्वास्थ्य एवं केश कथा चिंता न करी प्रतिदिन शैंपू करिबा सहित केश धोइबा आरंभ करंती। तेबे झाळ जोगु केश चिपचिपा हो जाए, तेणु शैंपू करिबा मात्रे केश एक सुंदर साइन करिबा आरंभ करिथाय। एही कारणरु अधिकांश लोक प्रतिदिन केश धोइथांती। जदि आपण मध्य एहा करंती तेबे एहा आपणक केश को खराब करिपारे। एही कारणरु केशर नेचुरल ऑयल धीरे धीरे कमिबा आरंभ करे, केश ड्राई एवं खराब हेबाकू लागे। सेथिपई जानंतु ग्रीष्म समय रे सप्ताह रे केते थरो केश को शैंपू करिबा उचित। जदि आपण प्रतिदिन केश धोइछंती ताहेले जानंतु एहा द्वारा कोन क्षति होइथाय। विशेषज्ञक अनुजाई आपण ग्रीष्म ऋतु रे प्रतिदिन केश धोइबा थारु दूरे रहिबा उचित। सबुदिन शैंपू करिबा द्वारा केशर सेबम कमि जाए। केशरे एहा एको नेचुरल तेल होइथाय जहा केशरु बाहरि थाए। एही तेल केशकु मैला हेबारु रक्षा करिथाय। एहा केशरे आद्रता बजाय रखे। एही तेल केशकु अनेक समस्यारु रक्षा करिबारे सहायता करिथाय। तेबे प्रतिदिन शैंपू करिबा द्वारा एही तेल कमिबा आरंभ करे, जहा फळरे एहा केशकु क्षति पहुंचाइथाय। ग्रीष्म ऋतु रे झाळ जोगु केश चिपचिपा होई जाय एवं खराब देखा जिबाकु आरंभ करे। एपरि परिस्थिति रे आपण सप्ताह रे 2-3 थर शैंपू करिबा सहित केश धोई पारिबे, किंतु आपणक केश को शैंपू करिबा मध्य आपणक केश प्रकार उपरि निर्भर करे। प्रतिदिन केश धोइबा द्वारा केश धीरे धीरे नष्ट हेबाकु लागे। तेबे झियंक व्यतीत पुओ माने मध्य प्रतिदिन शैंपू करिबा थारु दूरे रहिबा उचित। जदि आपण प्रतिदिन शैंपू करुछंती ताहेले आपण केवल सामान्य शैंपू सहित केश धोई दियंतु। शैंपू करिबा पूर्वरु आपणक केशरे तेल भल भाबरे लगांतु। एहा केशकु सिल्क एवं हेल्दी रखिबो। सेथिपई आपण मध्य निज केशर एपरि भाबे ध्यान रखंतु जेपरि केशर झड़िबा कम हेबा सह भल मध्य रहिबो।